हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th पे बेस्ड टॉपिक जो कि एनसीईआरटी को कवर करेगा। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली फिजिकल चेंजेस और केमिकल कंप्लीट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। पूरा टॉपिक हम देखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि बेसिकली फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब वो चेंजेस जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। लाइक आप कह सकते हैं जितने भी वाटर का आइस में कन्वर्जन होना, आइस का वाटर में कन्वर्जन होना इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, टियरिंग ऑफ पेपर इज टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? वो रिएक्शंस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। लाइक आपका रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट जिसे आपने कभी बनाना को खुला छोड़ दिया हो, आपने दिखा हो वो बनाना ब्लैक कलर का हो जाता है, तो मतलब वो बनाना कहीं ना कहीं एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आया है, उस फ्रूट की राइपनिंग हुई है। दिस इज कॉल्ड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंजेस, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है। तो कैसे पता लगाएंगे, उसके कुछ बेसिक टाइप्स है, उसके चेंज इन स्टेट। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट। जब दो कंपोनेंट आपस में लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस एंड फॉर्म अ वाटर, वाटर इज अ लिक्विड, तो क्या हो जाता है, उसके फिजिकल इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। दो सॉलिड सॉलिड आपस में कंबाइन होंगे, आपका एक गैसियस कंपोनेंट फॉर्म कर सकते हैं। लाइक सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ गैस, फॉर्म्ड सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। तो दिस इज अ टाइप ऑफ जनरली केमिकल रिएक्शंस कि हम कह सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। और कैसे पता लगा सकते हो आप, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, उसमें गैस इवॉल्व होगी। गैस इवॉल्व होगी मतलब हो सकता है उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी गैस आपकी इवॉल्व हो रही हो। लाइक कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, CaCO3 का आप जब डिडक्शन कराते हो तो CaO प्लस CO2 गैस इवॉल्व होती है। मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मतलब उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हो रहा हो, चेंज इन कलर, रिएक्शंस के क्या हो रहा हो, कलर में चेंजेस हो रहा हो। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट इज अ जनरली ब्लू कलर सॉल्यूशन, जैसे ही हम उसमें आयरन को डिप करते हैं तो आयरन के कारण वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर हो सकता है उसमें। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशंस हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसमें हीट इवॉल्व होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यदि एंडोथर्मिक होगी तो सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन गैसेस, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस सॉरी, चेंज इन कलर और टेम्परेचर में कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे। तो दिस इज अ बेसिकली आपके कोई भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रही है नहीं हो रही है उसके कुछ बेसिक चेंजेस होंगे। ठीक है, वो हमने देखा है। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। अभी तक तो हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की। हम कहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर इन फॉर्म ऑफ वाटर, बट कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर इन फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट एंड फॉर्म H2O इज अ वाटर, ये क्या होगा, वाटर होगा, ये एक केमिकल इक्वेशन है। बट कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड नहीं होती, केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस्ड करना होता है। बैलेंस करना मतलब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल एटम्स इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने का कंसेप्ट ही ये होता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम हैं बट ऑक्सीजन का केवल एक एटम है, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसके आगे 2 लगा दीजिए तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं,
हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं, इस साइड भी टू लगा दीजिए, हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं, तो रिएक्शंस कैसे हो जाएगी आपकी बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है, अलग अलग एटम्स को आप लिखिए LHS और RHS में, फिर बैलेंस कीजिए। जब ऐसे हम बैलेंस करते हैं तो बहुत ही लंदी प्रोसेस हो जाती है। प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए उसका हम ओवरऑल ओवरव्यू देख के ही रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना सीखना होगा, ताकि आप इजीली फास्ट वे में रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाए। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस हुई, जिसमें हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। अब हम मूव करते हैं बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल। इसके पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करने से पहले, दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है, इस कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लाइक आपके मीथेन वाली रिएक्शन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, ये सब क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब मीथेन को ऑक्सीजन से ट्रीट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस वाटर, हाइड्रोजन, जनरली वो क्या है एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से हीट, इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या करते हैं, मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होगी, क्या होगी, कैसे होगी, उनकी स्टडी करते हैं। फाइव डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे रिएक्शंस के, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेस, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक ए प्लस बी प्लस सी कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए बी सी अ सिंगल प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट ईच अदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस वाटर रिएक्ट ईच अदर H2O का फॉर्मेशन करता है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ लार्जर प्रोडक्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लार्जर प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होगा और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इस कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। लाइक आप कह सकते हैं CaCO3 CaO प्लस CO2 में डिसोसिएट हो जाएंगे, FeSO4 का डिसोसिएशन होगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप से होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब तीन टाइप से उसको हीट सोर्स दे सकते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और फोटोलाइसिस। तीनों के एग्जांपल के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक कंपाउंड प्रोडक्ट को आपने किसमें डिसोसिएट कर दिया, डिफरेंट रिएक्टेंट में डिसोसिएट कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। कंपोजिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और आपका क्या होती है बेसिकली फोटोलाइसिस। थर्मल डीकम्पोजिशन जिसमें हम डीकम्पोज करते हैं किधर, हीट देते हैं। जब आप हीट दोगे लाइक CaCO3 FeSO4 ये दोनों थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जांपल हैं। इनमें आप हीट देते हो सिस्टम को और ये ब्रेक डाउन कर देता है उसके प्रोडक्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन वो डीकम्पोजिशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके पर्टिकुलर कंपोनेंट का ब्रेक डाउन करते हैं। लाइक आपने सोडियम सॉल्ट का सॉल्यूशन है NaCl, जो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ Cl नेगेटिव में, ठीक है। फोटोलाइसिस में सनलाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होता है। सनलाइट दे रहे हैं आप, सनलाइट किसके फॉर्म में दे रहे हैं, AgBr कोई कंपाउंड है उसको, यदि आपने सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड है, यदि हम उसे सनलाइट में खुला छोड़ देते हैं तो वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस को रिलीज करता है एज इट इज। यदि हम सिल्वर क्लोराइड को ओपन छोड़ देते हैं सनलाइट में तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। तो कुछ बेसिक एग्जांपल है जो हमें ध्यान रखना है। डीकम्पोजिशन व्हेन लार्जर फ्रेगमेंट, लार्जर कंपोनेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर कंपोनेंट्स, अब वो क्या होंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन जिसमें हम हीट के थ्रू उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और किसी भी इसको आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट कर रहे हैं। फोटोलाइसिस जब हम सनलाइट दे रहे हैं और पर्टिकुलर कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है, इस कॉल्ड फोटोलाइसिस।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेस करना किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से, मेटल के सॉल्यूशन में से उसी मेटल को डिस्प्लेस कर देना। कौन कर सकता है? जो उससे हायर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, वो क्या कहलाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब लाइक एग्जांपल हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, डिस्प्लेस Fe प्लस CuSO4 फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर रिलीज हो जाएगा। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कॉपर से हायर रिएक्टिव होता है। ये आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर मेटल एज इट इज बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें मोर रिएक्टिव कंपोनेंट लेस रिएक्टिव कंपोनेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लाइक NaOH प्लस HCl, इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो Na डिसोसिएट होता है Na प्लस में और OH डिसोसिएट है तो OH नेगेटिव में, ये H प्लस में और Cl नेगेटिव में, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। ये Cl इस OH की जगह चला जाएगा और ये OH इसकी जगह आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर्म NaCl प्लस H2O रिमूव हो जाता है। ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जिसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कब होता है, व्हेन टू सॉल्युबल प्रोडक्ट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, जो कि कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा तब उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जब क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तब वो क्या कहलाएगा, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा प्लस बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इज कॉल्ड रिडक्शन। जब ये दोनों प्रोसेस एक सिंपल एक ही इक्वेशन होगी तो वो इक्वेशन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म कॉपर प्लस H2O। इस इक्वेशन में हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्जन होना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट मींस रिडक्शन। क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन। हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। इसमें दो टर्मिनोलॉजी और आती है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम होता है पर्टिकुलर उस काम को करने में हेल्प कराना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में हेल्प कराएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हेल्प कराना, मतलब वो खुद ऑक्सीजन कैरी करके रखेंगे और किसी दूसरे एटम को जिसका ऑक्सीडेशन कराना है उसको ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करके रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, खुद अपनी ऑक्सीजन को दूसरे को देके बोलेंगे कि ठीक है उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। या फिर सेकंड का मेथड क्या है कि वो खुद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन के केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो वो दूसरे को ऑक्सीजन दे दे, ठीक है, उसके खुद के पास वो ऑक्सीजन कैरी करके रखता है और दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है, तब वो कंसेप्ट कहलाता है ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या वो कहता है ठीक है दूसरे से जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस कंसेप्ट में यदि हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो भी वो क्या कहता है, मैं उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीजन कैरी करके रखेंगे और दूसरे का ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट, जो क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराना है, वो कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का रिडक्शन कराते हैं। सपोज हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट साइड पे होंगे, ध्यान रखेगा, या चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो या रिड्यूसिंग एजेंट की, दोनों कहाँ होते हैं आपके जनरली, आपके रिएक्टेंट साइड्स पे। अब ये बोल रहा है हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यदि मुझे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग, ये कहता है मुझे इसका क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, तो ठीक है ऑक्सीजन को मैं कैरी कर लेता हूँ, मैं ऑक्सीजन को कैरी कर लेता हूँ ताकि इसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ताकि क्या कर दे वो, इसका रिडक्शन कर दे। तो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा, यदि क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो खुद ऑक्सीजन कैरी करके रखेंगे और दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए उसको ऑक्सीजन को डोनेट करेंगे, या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि दूसरे का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। दिस इज अ बेसिकली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, करोजन। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइव मेथड्स देख ली, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट हम मूव करेंगे करोजन पे, बेसिकली करोजन एंड रेंसिडिटी, करोजन एंड रेंसिडिटी। करोजन इट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। जब आपके मेटल्स एयर के कॉन्टेक्ट में आती है, एयर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, लाइक आयरन या आपके घर में जो सिल्क की जो सिल्वर की ज्वेलरीज है उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, वो क्या कहलाती है आपकी, बेसिकली करोजन। तांबे के ऊपर हम देखते हैं ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, जो इज अ टाइप ऑफ करोजन। ठीक है, करोजन का अब कैसे क्या, आपके एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयर्स प्रेजेंट है, जो ऑक्सीडेशन करे मेटल का वो क्या होता है, करोजन, जो ऑक्सीडेशन करे फूड का वो क्या होता है, रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड करोजन। ठीक है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्लो ऑक्सी, दोनों ही ऑक्सीडेशन है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, दोनों ही स्लो ऑक्सीडेशन है। करोजन में क्या होता है, यदि आयरन है तो वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और Fe2O3.H2O की एक लेयर बना लेता है फेरस ऑक्साइड की, जिसे कहा जाता है रस्टिंग, लोहे पर जंग लग जाना। ठीक है, तो वो इज अ टाइप ऑफ करोजन, लोहे पर जंग लगना मतलब इज अ टाइप ऑफ करोजन। सेकंड, हमने देखा होगा कि सिल्वर का जो हमारी ज्वेलरी रहती है वो काली पड़ जाती है, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करती है, Ag2S बनाती है, जिसको कहा जाता है आपकी चांदी काली पड़ गई है। ठीक है, Ag2S। नेक्स्ट क्या है, कॉपर, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, CuCO3.CuOH2 का फॉर्मेशन करता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ये किस कलर का होता है, बेसिकली ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है तांबे पे, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ करोजन। तो करोजन ये ब्लैक कलर की, ये रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। करोजन से प्रिवेंट, जब आयरन का करोजन होता है तो उससे क्या कहा जाता है, रस्टिंग, जंग लग जाना। आयरन को करोजन से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर या तो पेंट लगा दिए जाते हैं, ग्रीसिंग कर दी जाती है, या गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब उसके ऊपर जिंक की एक लेयर को चढ़ा दिया जाता है ताकि उसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से प्रिवेंट किया जा सके, ताकि जिंक इज मोर रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। जिंक, यदि आपने आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी है तो जिंक ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, आयरन सेफ हो जाएगा, तो उसका करोजन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज अ बेसिक टाइप ऑफ करोजन, की करोजन क्या होते हैं, कैसे होता है, कौन सी मेटल्स किस केसेस के साथ करोजन शो करेगी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इज स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसमें क्या होता है, यदि आप खाने को ज़्यादा टाइम तक खुला छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एयर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा वो, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फैट्स एंड ऑयल के साथ यदि कॉन्टैक्ट करता है तो वो फूड की क्या होती है, फूड्स में स्मेल चेंज हो जाती है उस पर्टिकुलर फूड की, या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे कहा जाता है रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाना, फूड का रेंसिड हो जाना। ठीक है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड को जनरली एयरटाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है फूड को, ताकि यदि कम टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन क्या है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो आप। एंटीऑक्सीडेंट यदि ऐड कर दिए जाते हैं तो रेंसिडिटी से प्रिवेंट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में चिप्स के पैकेट मिलते हैं, चिप्स के पैकेट में आधा पैकेट बहुत खाली होता है, उसमें केवल गैस भरी होती है। वो गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस। जनरली क्या फिल कर दिया जाता है उसमें, नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस वो रिमेनिंग जो चिप्स हैं आपके उसको प्रिवेंट करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है किससे, रेंसिडिटी से। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, उसमें फिल कर दिया जाता है, कंपनीज उसमें फिल कर देती है नाइट्रोजन गैस को, ताकि उसके जो स्मेल है टेस्ट है वो चेंज ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करके रखा जाए रेंसिडिटी से। तो दिस इज अ बेसिक, आज का पूरा टॉपिक ओवरव्यू टॉपिक था आपका क्लास टेंथ में बेस्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हमने देखा केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं बेसिकली, उसके बाद क्यों केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, कैसे पता लगाएं केमिकल रिएक्शंस हुई है वो देखा हमने, केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे जबकि उसके बोथ साइड उसके नंबर ऑफ एटम्स आपको इक्वल करने हैं, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, क्यों बैलेंसिंग करना जरूरी है वो देखा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है वो देखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हमने वो देखा, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है वो देखा, करोजन एंड डेंसिटी क्या होती है वो देखा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जहां पर भी डाउट हो, कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होती है, क्यों हम किस जगह हमको कितनी वैलेंसी लिखना है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।